आज हम मूली पराठा बनाएंगे। उसके लिए 200 ग्राम आटा लिए हैं, उसके लिए 3 मूली लिए हैं, धनिया पत्ता लिए हैं उसे बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्च है इसे भी बारीक काट लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं। अब हम आटा का डो लगा लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। जैसे चपाती का डो बनाते हैं वैसे ही इसका भी डो बनाएंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाएंगे और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे ताकि गीला ना हो। आटा के डो को बना लिए हैं। अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप अभी भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा किनारे से फटा फटा पराठा बन जाता है। मूली को हम कद्दूकस करने वाले पर क्रश कर लिए हैं। मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है। आप इसे कढ़ाई में सुखा करके भी बना सकते हैं। मैं इसमें से पानी को निकाल कर बनाऊंगी। पानी निकालने के लिए इसमें से हथेली पर लेंगे और इसे प्रेस करके निकाल देंगे। आप इसे कपड़ा में रख करके भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से सारे मूली में से पानी को निकाल लेंगे। आप इस पानी को आटा गूंथने में भी यूज कर सकते हैं। आपको मूली ज़्यादा खाना पसंद हो तो इस पानी को आटा गूंथने में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप फेंक भी सकते हैं। सारे मूली में से पानी को निकाल लिए हैं। अब इसमें हरा कटा हुआ मिर्चा डाल लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, धनिया पत्ता डाल लेंगे। एक छोटा चम्मच अजवाइन डाल लेंगे, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें हम लास्ट में डालेंगे। नमक डालने पर ये पानी छोड़ने लगेगा। मूली में सारे मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम नमक डाल लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। अब हम मूली पराठा बनाने के लिए इसे रोल कर लेंगे। आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसे और एक बार हम मसल लेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा आटा लेकर के लोई बना लेंगे। लोई बनाकर इसके सेंटर में दोनों अंगूठे से दबाकर बड़ा कर लेंगे। अब इसके सेंटर में मूली का स्टफिंग भर लेंगे। अब इसे अंगूठा से बीच में दबाकर धीरे धीरे किनारे से ऊपर उठाते जाएंगे। लास्ट में इसके सेंटर को दबाकर
गोल कर लेंगे। अब इसके दोनों तरफ से सूखा आटा लगाकर हथेली से दबाकर बड़ा कर लेंगे। ऐसे बड़ा कर लेने से फटने का डर कम रहता है। जितना आप हथेली से दबाकर बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लें। अब हम इसे रोल कर लेंगे। रोल करते टाइम ध्यान रहे कि इसे सेंटर से दबाकर रोल करेंगे। इसे दोनों तरफ से आटा लगाकर रोल कर लेंगे। दोनों तरफ से रोल करेंगे तो दोनों साइड एक ही जैसा रहेगा। एक तरफ से रोल करने पर एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला बन जाता है। मूली पराठा को अच्छा से रोल कर लिए हैं। इसी तरह से सारे पराठा को रोल कर लेंगे। अब हम मूली पराठा को सेक लेते हैं। पराठा बनाने के लिए तवा लेंगे। तवा गर्म हो गया है। अब इस पर हम पराठा डाल लेंगे। पराठा डालने से पहले इस पर तेल नहीं लगाएंगे। तेल नहीं लगाने से पराठा अच्छे से फूल जाता है। अब इसे पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मूली इसमें हम कच्चा यूज किए हैं तो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो मूली भी अच्छे से पक जाएगा। देख सकते हैं कि पराठा बिल्कुल ही फूला फूला बना हुआ है। अब इसके दोनों तरफ से हम घी लगा लेंगे। आपको जो भी तेल या घी पसंद है वो लगा सकते हैं। दोनों तरफ से घी लगाकर इसे अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ से पराठा अच्छे से सेक लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूली पराठा बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसे मैं फाड़ करके भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कि मूली चारों तरफ से अच्छे से फैल गया है। इसे आप डिनर में भी खा सकते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। मूली पराठा सभी को पसंद आता है तो आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि मूली का पराठा कैसा बना। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।